वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है एक रिएक्शन है ए टू बी, इस रिएक्शन का ग्राफ ये है विद टाइम प्रोडक्ट का लाइन ये है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियली जीरो था, धीरे धीरे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। नाउ प्रोडक्ट कैसे इंक्रीज कर रहा है, तो देखो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट इस कांस्टेंट है, प्रोडक्ट का चेंज करने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी डीपी बाय डीटी व्हिच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, स्लोप इज कांस्टेंट तो डीपी बाय डीटी क्या होता है, स्लोप होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं डीपी बाय डीटी इज बेसिकली डीबी बाय डीटी, क्योंकि प्रोडक्ट ही तो है, क्योंकि प्रोडक्ट इज बी ओनली। तो इससे हम लोग को ये मालूम चला। अब देखो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाय डीटी शुड बी इक्वल टू डीबी बाय डीटी, ये तो होता है पता हम लोगों को। नाउ व्हाट इज डीबी बाय डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट, तो दिस इज इक्वल टू के अभी निकाले थे, तो इंप्लाइज दैट माइनस डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट। सो ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है, दिस रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ग्राफ बनाते हैं टाइम का और माइनस डी ए बाई डी टी का, तो क्या आएगा, अ कॉन्स्टेंट के। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट माइनस डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंपली के। देखो ये क्वेश्चन एक और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट ऐसे लीनियरली इंक्रीज कर रहा है ना तो रिएक्टेंट ऐसे डिक्रीज करता है, ये रिएक्टेंट का लाइन हो जाता है। और हम लोग को पता है रिएक्टेंट का ये लाइन कब होता है, जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्टेंट का स्ट्रेट लाइन आता है। तो अगर जीरो ऑर्डर है तो पता है रेट इज इक्वल टू सिंपली के, माइनस डी ए बाई डी टी शुड हैव बीन के, तो वहां से भी यही आता है, हम लोग सिंपली ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं।